हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में वो जानने वाले हैं कि परचेज वाउचर में यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है, इसके लिए क्या रूल है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले। तो देखिए, बताया जा रहा है इसके बारे में कि यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम दो भाग में डिवाइड हो जाता है, पहला एक्चुअल और दूसरा बिल। मतलब ध्यान देना, यहाँ पे बताया जा रहा जो फीचर्स है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम, इसका यूज क्या है। तो बोला गया यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है। और बोला गया इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम दो भाग में डिवाइड हो जाता है, पहला एक्चुअल और दूसरा बिल। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको बताया जा रहा है फीचर्स इनेबल करना होगा। पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, उसके बाद से बाउचर में जाएंगे। थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया गया है, गेटवे ऑफ टैली बाउचर वहीं पे दबाएंगे या फिलेवे, एक ऑप्शन आएगा शो मोर फीचर्स, उसको यस करेंगे और वहां पे आएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इनवाइसेस, उसको यस करेंगे। और यस करने के बाद से इस फीचर्स का इस्तेमाल हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो जो रेट का कॉलम एक भाग में दिख रहा था वो दो में दिखेगा, पहला एक्चुअल और दूसरा बिल। अब कैसे करेंगे इसको, सुनो समझो देखो। सर, जो इसके पहले वाला था नहीं, तो उसमें उसी क्वांटिटी मिल रहा था, ध्यान देना, नहीं दूसरा कोई क्वांटिटी मिल रहा था फ्री में, इसमें सेम वही मिल रहा है। कहाँ से मैसेज भेजा देख, पहले बताओ। क्या लिखा जाए? हाय सर, अगर वाली का भाई बात तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे बाउचर में, और बाउचर में आने के बाद से हमको दबाना है यहीं पे या F11, और F11 दबाने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आएगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइसेस। ठीक है, इसी को करना हमको यस और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे आ जाएंगे, F9 दबाएंगे और सप्लायर इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है। तो देखो, दो काल क्वांटिटी का कॉलम दो भागों में बट गया ना, एक एक्चुअल एक बिल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसको समझते हैं। कहा जा रहा है 10 पीसेस GO5 M2S, ठीक है, 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, मतलब मॉडेम खरीदा, इतना बड़ा नाम है इसका। उसका HSN कोड दिया है,
इस पे कितना परसेंट जीएसटी, यह दिया है किससे खरीद रहे हैं ये बताया जा रहा है, गायत्री कंप्यूटर्स, ठीक है, फैजाबाद के रहने वाले हैं, इनका जीएसटी नंबर दिया गया है और रेट दिया है और बताया जा रहा है एंड गेट वन पीसेस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। मतलब यहाँ पे इसी का जो 10 पीस मॉडेम खरीद रहे हैं एक पीस फ्री में प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वो भी कब, हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे न्यू ईयर आने वाला है या दिवाली पे, मतलब किसी त्योहारों पे सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, मतलब अगर हम दो रिमोट खरीद रहे हैं और एक रिमोट हमको फ्री में मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब सेम आइटम जो फ्री में मिले इस फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे, जब डिफरेंस मिले डिफरेंट कोई दूसरा, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा किसका, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का। तो चलिए इसको करने के लिए हम लोग आते हैं टैली में, और सबसे पहले देखिए ध्यान देना क्या करना है आपको, यहां पे आना है और सप्लायर इनवाइस नंबर, और सप्लायर इनवाइस नंबर जो भी है क्या है 286। तो आते हैं यहां पे और टाइप करते हैं 286, पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में देखेंगे तो यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और गायत्री कंप्यूटर फैजाबाद के हैं, सन्ड्री क्रेडिटर, एड्रेस वैसे जीएसटी नंबर दिया नहीं है, वैसे हम डाल देते हैं दिया है, दिया और यस कर लेंगे यहां से, उसके बाद से कुछ करना नहीं हमको। पर्चे लेजर यहां पे लेंगे लोकल और नेम ऑफ आइटम, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा जियो फाइव, आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं बना होगा तो बनाइएगा, मुझे लग रहा है आप लोगों को बनाना पड़ेगा। क्या है, अल्ट सी मॉडेम है, करेंगे इसको यस, उसके बाद एचएसएन कोड दिया है 8517 टैक्सेबल 18%, और आ जाएंगे यहां पे पीसेस, और कुछ नहीं करना है, लोकेशन कहां पे रख रहे हैं इसको, शॉप, एक्चुअल बताइए, एक्चुअल रियल में कितना खरीद रहे हैं 10, और एक क्या मिल रहा हमको फ्री में, तो एक्चुअल जो क्वांटिटी हम लोग लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं कितना 11, लेकिन जो पैसा हमको देना कितने का देना है 10 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। तो इसका मतलब यही होता है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ये 11 लेके आ रहे हैं, लेकिन जो बिल बन रहा है किसके नहीं बन रहा है 10 का, इसीलिए दो कॉलम हम लोग किए हैं। रेट कितना है 950, तो यहाँ पे लिख देंगे 950। उसके बाद से आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो आसानी तरीके से क्या किया जा सकता है, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी तरीके से कर लेंगे। क्या तो पहले डिस्काउंट लगे, तब सेंट्रल टैक्स स्टेट लगाई, डिस्काउंट देना था यहाँ पे, अगर आइटम वाला डिस्काउंट देना था आइटम वाला डिस्काउंट दीजिए, अगर पूरे बिल पे देना है तो डिस्काउंट का लेजर ले लीजिए, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, दो दो तीन दिन पढ़ाए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग ऐसे एक एक करके पढ़ रहे हैं, हो जाएगा, तो आप लोग कर ले जाओ इस क्वेश्चन को, तो ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं, फिर से बैक आते हैं और नीचे आएंगे,
और अगला क्वेश्चन देखो सेम हो ऐसे ही है, क्या बताया जा रहा है इसमें, 25 पीस सेंडिक्स खरीद रहे हैं और एक का रेट कितना है 350 और 5 पीस क्या मिल रहा हमको फ्री प्राप्त हो रहा है, कर लोगे ना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 17 नंबर। उसके बाद से अगला है 18 नंबर, देखते हैं इसमें कुछ अलग है कि नहीं है। इसमें 10 पीसेस हम लोग खरीद रहे हैं लॉजिकटेक M235 वायरलेस माउस, इसका एचएसएन कोड दिया है, किससे खरीद रहे हैं लॉजिकटेक कंप्यूटर से, यह कहाँ के हैं लखनऊ के, रेट क्या है इसका भी उतना ही है और कितना फ्री प्राप्त हो रहा है 2, तो सेम वो भी यही है समझे। तो ये 16, 17, 18 एक ही जैसा है और 19 भी सेम उसी के जैसा है, इसमें भी देखो 5 पीस फ्री प्राप्त हो रहा है ठीक है। तो 17 से लेके 16 से लेके 19 तक आपका सेम है, आप आसानी तरीके से कर ले जाएंगे। अब अगला जो है हमारा मेन टॉपिक वह है एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज, एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज। एक क्वेश्चन समझा दे रहे हैं तो 16 से लेके 20 तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज होता क्या है, कब लागू होता है परचेज के कंडीशन में, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं ठीक है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि गुड्स परचेज के बाद उस गुड्स को सप्लायर के शॉप गोडाउन से अपने शॉप गोडाउन में लाने तक रास्ते में होने वाले अतिरिक्त खर्च को क्या बोलते हैं, एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज कहा जाता है। जैसे वेजेज, जैसे फॉर एग्जांपल हम मार्केट में गए और कोई प्रोडक्ट खरीद लिए तो वेजेज मजदूरी देते हैं, तो क्या सपोज मान लीजिए वो सामान मंगवाए तो यहाँ पे उतरवाते समय वेजेज मजदूरी देते वर्करों को, या वहां पे लदवाते समय वेजेज देते हैं, तो खरीदने के बाद ये खर्चे पड़ जाते हैं प्लस फ्रेट भाड़ा दे देते हैं ठीक है, ट्रांसपोर्ट के खर्च लगते हैं ठीक है। उसके बाद से पैकिंग चार्ज, उस सामान को मान लो लेने के बाद से खरीदने के बाद हमको लग रहा नहीं पैकिंग करके बेचेंगे तो और बेटर रहेगा, तो पैकिंग के चार्जे लग जाते हैं। तो यही बोला गया है कि परचेज करने के बाद कुछ अतिरिक्त खर्चे जुड़ जाते हैं परचेज इनवाइस में ठीक है, उसी बिल में, तो उसे बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज। मतलब परचेज करने के बाद कुछ और कॉस्ट ऐड होते हैं, जैसे आता है वेजेज, फ्रेट, कैरिज, पैकिंग चार्ज ठीक है, पैकिंग मटेरियल, तो ये सब क्या है लेबर चार्ज, ये सब हमारे क्या है एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज के कैटेगरी में आते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, इसके लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा और एक फीचर इनेबल करना होगा, गेटवे ऑफ टैली में आना होगा, अल्टर वाउचर टाइप, वाउचर ट्रेक एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज को यस करना होगा। अब यस करने के बाद इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है और हम लोग रिपोर्ट में भी देख सकते हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या लगा है, वेजेज है कि पैकिंग चार्ज है कि फ्रेट है, वैसे हम लोग लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले चलिए इस फीचर्स को इनेबल करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले आ जाते हैं टैली में और आएंगे अल्टर, और अल्टर में आने के बाद यहाँ पे आना है वाउचर टाइप में और क्या लेना है परचेज, और परचेज सेलेक्ट करने के बाद से यहीं पे देखो आपको दिखेगा ट्रेक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, दिख रहा आपको, इसी को यस करना है और कंट्रोल ए करके सेव कर देना। फिर से बैक आना है और बैक आने के बाद से हमें वाउचर में आना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग कर लेना, रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मुझे रिक्वायरमेंट अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, या F11 और इसको नो कर देंगे और कंट्रोल ए करके सप्लायर इनवाइस नंबर। तो सप्लायर इनवाइस नंबर क्या दिया है, GST 75, तो यहां पे लिखेंगे GST 75। पार्टी अकाउंट नेम, तो देखिए पार्टी अकाउंट नेम में क्या बताया जा रहा है, किससे खरीद रहे हैं जी, तो यहां पे आ जाएंगे डेल,
कंट्रोल ए, कंट्रोल ए लोकल ही है, चेक कर लेते हैं वही के हैं। उसके बाद से कौन सा आइटम खरीद रहे हैं इसे, टू पीसेस डेल एलईडी मॉनिटर, तो लिखेंगे डेल एलईडी मॉनिटर। कहां पर रख रहे हैं इसको, चलो कितना पीस जो भी जहां है उस सेलेक्ट कर लेंगे। टू, रेट कितना है इसका, 30,000। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट की भी बात की जा रही है, तो देखते हैं अभी आ जाएंगे और आने के बाद से इंटर दबाएंगे। और यहाँ पे देखो बोला भी गया है क्या, आल्सो गेट 5% डिस्काउंट, क्या किया गया है 5% डिस्काउंट, और पैकिंग चार्ज भी दिया है ₹250, ठीक है, इस पे ऐड हो रहा है। और गुड्स को स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, वेयर हाउस में, तो जहां पे है क्वेश्चन में ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे दो लेजर हमको और बनाना पड़ेगा, किसका किसका, डिस्काउंट का और पैकिंग चार्ज का। तो डिस्काउंट का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, किसका बनाना होगा, पैकिंग चार्ज का, क्योंकि डिस्काउंट जब हम लोग खरीदते हैं डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, और पैकिंग चार्ज हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले पैकिंग चार्ज का बना लेते हैं, उसके बाद यह पहले से है, तो डिस्काउंट देना है कितना, 5%। तो ध्यान देना आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव के बाद से आपको यहाँ पे करना होगा -5। तो देखो यहाँ पे जैसे -5 करेंगे कितना परसेंट डिस्काउंट है जी, 5% ही है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, दो प्रोडक्ट है क्या जी इसमें, दो प्रोडक्ट है, हाँ, तो एक और प्रोडक्ट रहेगा तब आएगा बराबर, क्या है देख लेते हैं। एक भी डेल वेस्ट्रो लैपटॉप है, तो इसके लिए सेलेक्ट कर लेते इसको भी। लोकेशन, क्वांटिटी कितना है इसमें, 1 पीस है, और इसका रेट है कितना, 5,000। दोनों सही करना पड़ेगा, एक और रेट है 30,000 इसका, और उसका जो है वो 5,000 है। तो क्या करेंगे, इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो 30 डाला हमने 5,000 कर देंगे। अब देखो वैल्यू हमारा सही आ जाएगा, आया। अब यहाँ पे पैकिंग चार्ज, तो आप बताओ डिस्काउंट माइनस हुआ है ना, तो वैल्यू कितना आ गया, 38,000, लेकिन पैकिंग चार्ज ₹250 ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, जिसके लिए क्या करेंगे, अल्ट सी, और पैकिंग चार्ज का हमको लेजर बनाना होगा, ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तभी तो दिखा पाएंगे पैकिंग चार्ज कितना लगा। तो पेस्ट किया, और यह हमारा एक्सपेंस है, और जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, पैकिंग चार्ज पे नॉट अप्लीकेबल। कितना है जी, 250, ठीक है। उसके बाद से सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हो जाएगा, लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है जीएसटी ज्यादा उठा लेता है, क्या, जब पैकिंग चार्ज का लेजर सही से क्रिएट नहीं करते हैं, तो कई बार एडजस्टमेंट देखना होता है, तो बाइट बल्ब ऐसे ही लगाते हैं, फिर इस बिल में थोड़ा सा अलग लगाया गया। देखो इसमें जो वैल्यू आ रहे हैं टोटल कितना बार आ रहा है, 45,131, मतलब क्या है, पैकिंग चार्ज पे जीएसटी उठाया है, तो इसके लिए मैंने देखा तो तुरंत पता चला कि हाँ ज्यादा है, इसके लिए कंट्रोल इंटर दबा के, और जो नॉट अप्लीकेबल है यहाँ पे, आप ध्यान देना, नहीं नॉट अप्लीकेबल जो है यहाँ पे कर देंगे बस जीएसटी, जीएसटी के अंदर नहीं रख रहे हैं, जीएसटी करेंगे, और गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू। अब फायदा क्या होगा, तो जो वैल्यू आएगा उसी पे ज्यादातर क्या करेगा, जीएसटी कैलकुलेशन करेगा, जो पैकिंग चार्ज उस पे नहीं करेगा। अब इंटर और एक्सेल सुधार कर लीजिएगा अपने नोट्स में, आपका जो वैल्यू आना चाहिए टोटल वो आपका जो आएगा, ध्यान देना अभी हो जाएगा सही, हो एडजस्टमेंट वो इस पे लेके आ रहा है, इसको भी सही करो, कंट्रोल इंटर, क्यों जीएसटी ज्यादा उठा रहा है, नॉट अप्लीकेबल जीएसटी गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, आ गया। मतलब दोनों में क्या करोगे, लेजर को एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से लेजर हम बनाए हैं, लगा देंगे राउंड अप, आ गया 45,135।
अब 45 से 135 आएगा, उसमें 31 सही कर लीजिएगा, 35 कर लीजिएगा। हाँ उसमें नेक्स्ट नोट्स में थोड़ा सा चार गलत है, सही कर लीजिए, 35 कर लीजिएगा। अरे कहीं कहीं गलत, एक वैल्यू गलत होता तो नोट से पूरा गलती हो गया। जो ब्रांडेड बुक खरीदते हो ना वहां भी दो चार गलत होते हैं। हाँ ठीक है, बुक खरीदते हो देखते हो उसमें कई सारे मैटर एक एक पे। हाँ लेजर बनाते समय क्या ध्यान देना होगा आपको, डिस्काउंट का और पैकिंग चार्ज का। देखो कंट्रोल इंटर दबा, एक बार बता दे रहा हूं समझ लो, कंट्रोल इंटर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके जीएसटी ले लेना गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, तो इस वैल्यू पे जीएसटी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट में भी जीएसटी ले रहा है, इसलिए अपने नॉट एप्लीकेबल करके गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू कर। और दोनों में यही करना है आपको, ध्यान देना इसमें भी सेम वही रहना चाहिए, क्या नॉट एप्लीकेबल गुड्स और बेस्ड ऑन वैल्यू, तो आपका यही आएगा 45 135, सही आ जाएगा 45 से 135। क्लियर है? तो आप लोग को 20 तक क्वेश्चन करना है, 16 से लेके 20 तक, ठीक है बाबू? जी सर।